हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरट में। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, पेनफुल एज इन बहुत ज़्यादा पेन में रहे आप। मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी का पेन कम हो जाए, आप सभी के पर्सन जो आपसे दूर हो गए हैं वो वापस लौट आए। आप में से किसी एक पर्सन ने मुझे ये भी कमेंट किया कि वो अपने बेटे के लिए वेट कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द उनका बेटा उनके पास वापस आ जाए। और मैं दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में और क्या क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली है, वो किसी भी चीज़ पर हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं। एक है ये प्यारा सा गोल्ड और पिंक कलर का झुमका जो कि है पाइल वन, और एक है ये सिल्वर कलर की इयररिंग्स जिसमें ब्लैक बीड्स है। आई होप आपको दिख रही हूँ। सो ये है पाइल नंबर वन। पाइल नंबर टू, हर बार की तरह आंखें बंद करें, अपने ईश्वर, गुरु, भगवान, अपने उस पर्सन का जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनका ध्यान करें, और उसके बाद आंखें खोल कर देखें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करें उसे सिलेक्ट कर लें। सो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये झुमका सिलेक्ट किया है पाइल नंबर वन, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या आई। कार्ड मैंने हमेशा की तरह शफल कर दिए हैं पहले ही। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्स, द मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्स। साइंस में आपको बता देती हूँ, लियो एरिस सैज है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस भी है। इनमें से कोई भी साइन आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो अगर बात करें कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल आ रहा है, सुपर्ब कार्ड आया है आप लोगों के लिए, द मैजिशियन का कार्ड। इसने तो सीरियसली मेरा दिल खुश कर दिया। ये बहुत ही अच्छी आप लोगों की लाइफ बताता है। द मैजिशियन का कार्ड पता है क्या माना जाता है? द मैजिशियन का कार्ड तथास्तु माना जाता है। अगर सही वर्ड्स में बताऊँ, ये तथास्तु कहता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मन में जो भी चीज़ चल रही है वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। प्लीज़ ध्यान रखें, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो और भगवान आपको, जो ईश्वर है, वो आपको तथास्तु बोलते हुए नज़र आ जाए। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। आपकी लाइफ में चाहे आप बिज़नेस, कोई नए बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कोई प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, सो ये जो कार्ड है ना वो यस के बारे में बोलता है। यस यस यस, होगी, जरूर होगी, ईश्वर आपको तथास्तु बोलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में ना द मैजिशियन का मिरेकल आ चुका है। एक मैजिशियन आएगा और मैजिक की छड़ी घुमाएगा और लाइफ सुपर्ब हो जाएगी आपकी। और ये मैजिशियन कोई और नहीं, हमारे ईश्वर, हमारे यूनिवर्स होगा। और एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बता रहा है कि आप कोई नई चीज़ के शुरू आप कोई नई चीज़ को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने आप को स्पिरिचुअली चीज़ों में अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सोचा कि चलो मैं आप थोड़ा ध्यान करूँ। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो अपने पर्सन से दूर होकर अपने आप पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। वही एस ऑफ वॉन्स जो है वो न्यू बिगनिंग के साथ आपके पर्सन के आने की भी आशंका बताता है। आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं और अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हो गए। अब आपका ऐसा हो चुका है ना कि बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब आप दुनिया से, हर इंसान से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, बुरे सेंस में नहीं कि आप बिना बात के झगड़ा नहीं कर रहे। आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ चुके हैं। अब आपका ऐसा नेचर हो चुका है ना कि बहुत देख लिया यार, बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं, बहुत कुछ मैं सो चुका, पर अब आप उठने की तैयारी में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत जल्दी उठते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी तक आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव रही है, अगर आपके होप्स ऐसे हारते हुए नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, आप रोए धोए हो, तो अब आपकी एनर्जी चेंज होते हुए नज़र आ रही है। बहुत क्लियर साइन है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। आपके अंदर एक बहुत ही बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और स्पिरिचुअली भी आप अवेकन होते हुए नजर आ रहे हो। आप सडनली पूजा पाठ में भी होते हुए नजर आ रहे हो और काफी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और काफी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप में से जितने लोग भी मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं वो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा है। अगर आप नहीं जानते मैनिफेस्टेशन क्या होता है तो प्लीज इसके बारे में स्टडी जरूर करें। जिनके भी पर्सन उनकी लाइफ से गए ना, वो आ जाएंगे सीरियसली।
क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पावर होता है। आप एक बार उस पर बिलीव करके देखें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ करके बैठे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको सारी खुशियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने शायद बहुत सारी चीज़ें मांग ली हैं यूनिवर्स से, इसलिए पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी लोग जो है वो बेबी प्लान कर रहे थे, तो उनकी बेबी का जो प्लानिंग है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेगनेंसी होती हुई नज़र आ रही है। बेबी का अगर बेबी की चिंता थी, बच्चे की चिंता थी, चिंता खत्म होते हुए नज़र आ रही है। बच्चे जो है आपकी लाइफ से अगर दूर हुए हैं तो बच्चे नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप में से जितने लोग भी अपने पर्सन को बाबू शोना बेबी बुलाते हैं ना, तो वो भी वापस आने वाले हैं। आपके बाबू, आपके बेबी, आपके शोना, आपके पगलू वापस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बिगनिंग के साथ आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्स तो एक नई शुरुआत के बारे में बात ज़रूर करता है, पर पेज ऑफ कप एक नए एक्शन के बारे में भी बात कर रहा है। आप ना सिर्फ नई चीज़ शुरू करेंगे, आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन अगर वापस लौटा है तो आप, हो सकता है उस रिलेशनशिप पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी जो होगी ना, वो इस लेवल पे ना बढ़ती 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 दिखेगी। इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा खुशी होगी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से नज़र आते दिखा रहे हो। और यहीं पर अगर आपको देखूँ तो थ्री ऑफ वॉन्स का भी कार्ड आया है। ये विक्ट्री का कार्ड होता है, आप किसी चीज़ पे काम करते हुए सफल होते हुए नज़र आ रहे हो। पर एक और चीज़ होने वाली है आपके साथ। आप सफल तो होंगे, आप आगे तो बढ़ेंगे, पर दिल के किसी कोने में ना एक अकेलापन आपके अंदर रहेगा ज़रूर। आप कहीं ना कुछ अकेलापन महसूस करेंगे। आप ना या तो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन मिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ना आपके पर्सन आते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर आप में से काफ़ी लोगों की शादी नहीं हुई और वो लोग एक शादी के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे अपने पर्सन के लिए या तो एक अरेंज मैरिज के लिए, उनकी शादी होते हुए भी नज़र आ रही है। काफ़ी क्लियर कार्ड्स हैं, काफ़ी सुंदर कार्ड्स हैं, मिरेकल ही मिरेकल है। और उसके अलावा पाइल नंबर वन वाले काफ़ी लोग जो है ना, वो सोशल साइट पे कोई काम कर रहे हैं, या तो शायद यूट्यूब पे आ गए हैं, या तो सोशली कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ भी मन में ऐसा सोच रहे हो कि ये कर लूँ और इसमें सफल हो जाऊँगी, चाहे व्हाट्सअप के ग्रुप बनाकर आप लोग अपने आप को सोशली एक्टिव करके सफल करें, बिजनेस करें, जो भी करेंगे उसमें सफल होते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि द सबसे बेस्ट कार्ड जो आया है वो द मैजिशियन है। मैजिशियन हर चीज़ को तथास्तु बोल रहा है, हर चीज़ को। प्लीज़ नेगेटिव नहीं सोचना। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, मैनिफेस्टेशन फॉलो करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। आप में से काफ़ी लोग जो है ना, जो भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, मैं उन्हें सबसे पहला रूल बता देती हूँ। सबसे पहला रूल होता है ईश्वर और यूनिवर्स को धन्यवाद करना। एक अच्छी सेहत दी, एक अच्छा शरीर दिया, खाने को खाना दिया, ये सब जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे ना, तो ईश्वर आपको इस एनर्जी में नज़र आएगा। ईश्वर को अपनी वर्थ पता चल जाएगी और उसके बाद वो आपको तथास्तु बोलते हुए नज़र आएंगे। आप सोच कर देखें एक बार, जब आप अपने पर्सन का वेट कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार मैंने इस पर्सन के लिए इतना कर लिया, इतना कुछ किया, पर ये पर्सन है उसने मेरी केयर ही नहीं की, वो तो आया ही नहीं, उसको कभी परवाह ही नहीं हुई कि मैंने कितना कुछ कर लिया, कितना फील होता है ना। और उसके बाद आपका पर्सन जब भी आपसे बात करता है तो आपसे कुछ उल्टा ही बात करता है कि अरे देखा तूने मेरे साथ ऐसा किया, उसको फील ही नहीं होता कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, तो आपको कितना बुरा लगता है। उसी तरह ईश्वर और यूनिवर्स को भी बुरा लगता है जब आप सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं और शुक्र नहीं मनाते। शुक्र मनाना शुरू करें बहुत सारी चीज़ों पे, ग्रैटिट्यूड फील करें, शुक्र मनाएं कि उन्होंने आपको अच्छा शरीर, अच्छा बोलते हैं ना, खाने को खाना दिया, अच्छी हेल्थ दी, उसके बाद देखिए क्या मैजिक होता है। क्योंकि भगवान को जब आप धन्यवाद कहते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं यार इसको तो और देना बनता है। एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत ज़्यादा है, तो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, और दो कार्ड्स तो बनते हैं यार। सो यूनिवर्स, मुझे पाइल नंबर वन वालों के लिए बताइए क्या और मिरेकल्स होने वाले हैं। ओके, सो एक कार्ड बहुत अच्छा आया है, बट एक कार्ड थोड़ा सैड आया है। आप अपने आप पे ना, अपने हार्डवर्क पे डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ पे डाउट करते हुए बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आपको पैसा तो ज़रूर मिलेगा, बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर मिलेगी, लेकिन ना आपको डाउट रहेगा। आपके पर्सन अगर आपके पास आ जाएंगे ना, तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, भरोसा करूँ नहीं करूँ, फिर से तो नहीं चला जाएगा। और वहीं आपके ऊपर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आपको पैसे भी मिल गए ना, तो आप उससे भी ना ऐसे कोई खास खुश होते हुए नहीं दिखेंगे। आप ना उस पर भी डाउट करेंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अचानक ना अपने ही मैजिक पे ना आपको भरोसा नहीं होगा। आपको लगता है आपको ना मैजिक पे भरोसा होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लाइफ में जब सडनली आपके ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप ना
चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाओगे आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे नेचर पे रहोगे खुद, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा डाउट वाले नेचर पे रहोगे, आपको बिलीव ही नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर टू ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जिनकी भी रिकंसलेशन के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, उनका पर्सन उनके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, प्यार का सागर ऑफर हो रहा है, ना सिर्फ वो कर रहे हैं आप भी दे रहे हैं, म्यूचुअली आप लोगों का मिलन होने वाला है, आप लोगों में बहुत प्यार बढ़ने वाला है। और ज़रूरी नहीं ये सिर्फ लवर्स के लिए हो, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदार से दूर हुए हैं, किसी दोस्त से दूर हुए हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो भी आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत सुपर कार्ड है, मिरेकल्स ही मिरेकल्स है, द मैजिशियन का कार्ड सबसे बेस्ट है। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस सीरियसली, सॉरी गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, आपका ये कार्ड देखे ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ, सीरियसली बहुत अच्छे, बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। सो अपना जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रखें, चीज़ों पर शुक्र करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। चलो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। पाइल नंबर वन वालों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे यूनिवर्स, चलिए देखते हैं। एक दो, ओके सुपर, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी एक नई लाइफ, नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बता रहा है आप जो भी सोच रहे हैं वो आने वाला है, आपका पर्सन जो आपसे दूर है वो वापस आने वाला है, और आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं उसके लिए जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है, यस यस यस। और उसके अलावा आपका एक और कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपने किसी चीज़ पे ना बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके पर्सन थे, चाहे आपका बिजनेस था, चाहे आपकी जॉब थी, तो जॉब होगी तो प्रमोशन होती हुई दिख रही है, बिजनेस है तो सफल होता हुआ दिख रहा है, नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपका पर्सन है जिस रिश्ते पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, शायद वो या तो आप शादीशुदा हैं और वो पर्सन अभी तक आपके पास आए नहीं थे और काफ़ी लोगों को कमिटमेंट का प्रॉब्लम था, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने सिर्फ अपने रिलेशनशिप में दिया ही दिया है, तो वो सब वापस मिलने का टाइम आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको आपका हार्ड वर्क जो है वो वापस पे होने वाला है, आपको सब कुछ जो है ना वापस मिलने वाला है, जितना अभी तक आपकी लाइफ हताश रही, निराश रही ना, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है। सो प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, अपना माइंड सेट जो है वो नेगेटिव नहीं रखिएगा, मैजिशियन का कार्ड है यार, नेगेटिव पे भी तथास्तु बोल दिया ना तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी, फिर आप मुझे कंप्लेन करेंगे दी देखो ना ऐसा हो गया, फिर मत बोलना मुझे आकर। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, या तो वो आपके पर्सन आपको मैसेजेस दे रहे हैं या तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, इतने काफी रहेंगे मुझे लगता है। मैजिक इज अबाउट टू हैपन, वाओ सीरियसली यार मैं सीरियसली हैरान हूँ, एक तो मैजिशियन आया, ऊपर से मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन, लाइफ में ना आप लोगों के बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, एक्साइटेड हो जाओ यार, बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छी रीडिंग है, सुपर, मुझे बहुत मज़ा आ गया सीरियसली। ओके ये लेटर से आप लोगों का कुछ कनेक्शन है, CGKOSW, या आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, या हो सकता है आप अपने बिजनेस में इसका नाम यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर है इसका कनेक्शन, आप देख लीजिएगा, मैं आप वीडियो के नीचे भी अल्फ़ाबेट्स दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद कीजिए इससे क्या कनेक्शन है आपका, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कनेक्शन है इससे आपका। उसके अलावा मैं आ रहा हूँ यार सीरियसली, वो वापस आ रहे हैं, आपके जो पर्सन है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ खुशियों से भरने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यार, मुझे लग रहा है ये मेरी लाइफ में हो रहा है, जैसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। विल यू बी माइंड फॉर एवर, ओके सो इस बार कमिटमेंट होने वाला है, जितने भी लोग यहाँ पे कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे ना कि मेरा पर्सन आएगा मुझे कमिटमेंट देगा तो ही मेरा येस होगा, तो वो कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू प्रपोजल, न्यू स्टार्ट, सब कुछ, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, और अगर शादी हुई तो भी कमिटमेंट है यार। स्ट्रेंथ, ओके आप में से काफ़ी लोग अपनी स्ट्रेंथ गवा रहे हैं, शायद स्ट्रेंथ अभी तक महसूस नहीं हुई, शायद अभी तक लो एनर्जी में रहे, तो अपनी स्ट्रेंथ उठाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, बहुत अच्छी एनर्जी में आए, स्ट्रांग बने यार, स्ट्रांग नहीं बनेंगे, होप्स अच्छी नहीं रखेंगे, दिमाग पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो खुद से थोड़ी ना कुछ भी ठीक हो जाएगा, आपको खुद अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा, स्ट्रेंथ महसूस करनी पड़ेगी, स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये देखते हैं थिंकिंग अबाउट यू, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली मैडली, अच्छा सोच रहे तभी तो आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं, अब तो कितने दिन रह पाएंगे यार।
ब्लू. ओके ब्लू आपका लकी कलर हो सकता है, उनका हो सकता है, या आपका फेवरेट कलर हो सकता है या उनका हो सकता है. ब्लू कलर से ज़रूर कुछ कनेक्शन है. आप मिलेंगे या तो तब ब्लू पहना होगा जब वो पहली बार मिले थे, शायद तब ब्लू पहना हुआ था. अब देखें ट्विन फ्लेम. ओके आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, काफ़ी ज़्यादा लोग. अच्छा तभी तो शायद आप लोगों की जर्नी जो है ना वो कंप्लीट होने को तैयार है, और इसीलिए आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आने वाली है. आई एम वॉचिंग यू. ओके सो आपके पर्सन आपको बुरी तरह स्टॉक कर रहे हैं, उनकी पूरी नज़रें ना आपके ऊपर है. अगर आप उनके आसपास रह रहे हैं तो भी वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं. वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, वाया वाया कनेक्शन में हैं, कनेक्टेड हैं, वो आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं. सरप्राइज. ओके मैजिक भी हो रहा है और सरप्राइज भी मिल रहे हैं. यार आप लोग सुपर लकी हो, सीरियस आप सीरियसली सुपर लकी हो. सरप्राइज भी मिलने वाला है, वो शायद वो आपके पर्सन देंगे, या शायद हो सकता है यूनिवर्स आपके सामने सरप्राइज करके मैजिक कर दें. तो कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज है आपकी यहाँ पे. इनसिक्योरिटी. ओके आपके पर्सन इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे लगता है इसीलिए ना आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए स्टॉप करेंगे पहले, फिर इनसिक्योर फील करेंगे, और इसलिए फिर जल्दी जल्दी आएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे, नहीं रह पाएंगे यार. तभी तो मज़ा आएगा जब वो इस तरह वापस आएंगे ना, तब आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगा. हैव फेथ, भरोसा रखें. अगर अभी तक यूनिवर्स और भगवान पर भरोसा नहीं किया, अभी तक अपने आप पर भरोसा नहीं किया ना, तो करना शुरू कर दें, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. और सीरियसली मुझे बताया ज़रूर, जब आपकी लाइफ ना इतनी चेंज हो जाए ना, मुझे ज़रूर बताइएगा. ओके ब्लैक मैजिक. शायद आप पे या आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ था, तो अगर जो भी ब्लैक मैजिक है वो उतर जाएगा और आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. वो हो सकता है आपके किसी थर्ड पर्सन ने, उनकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया हो, या हो सकता है अपने अपनों ने ही किया हो, ताकि बिजनेस में, अगर बिजनेस लेवल पे सोच रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस ख़राब करने के लिए किया हो. लेकिन कभी भी एक बात बता दूँ ना कि ब्लैक मैजिक कभी भी ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. ब्लैक मैजिक हमेशा ना व्हाइट मैजिक के सामने फेल हो जाता है. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका तो ब्लैक मैजिक भी फेल हो जाएगा. ओके लास्ट है ये बेबी. वंस अगेन मैंने अपने कार्ड में भी बताया था, जो भी बच्चे के बारे में प्लान कर रहा है उनके बेबी का प्लानिंग सफल होता हुआ नज़र आ रहा है. और काफ़ी लोग जो अपने बाबू शोना के बारे में सोच रहे हैं, उनके बाबू शोना उनके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं. कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो नज़र आ रहा है, कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे वो. सो बहुत अच्छी रीडिंग थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों की रीडिंग करके. और मुझे बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो पे एक मस्त वाला लाइक तो बनता ही है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो. और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें कि आपकी जो रीडिंग है वो किस हद तक रिजोनेट रही. उसके अलावा जितने भी लोग मेरे वीडियो पर आए हैं और सिर्फ रीडिंग सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो. बड़ी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए मैं, इतना तो मेरा हक बनता है. और थैंक्स फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, बहुत खुशी फील होती है, बहुत एनर्जी आती है मेरे अंदर. सो इसी तरह मुझे कमेंट्स करते रहे, इतना सारा प्यार देते रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो अब आते हैं फाइल नंबर 2 पे, देखते हैं इनकी लाइफ में क्या मिरेकल होने वाला है. फाइल नंबर 1 की तो बहुत बहुत अच्छी रीडिंग रही, चलो देखते हैं फाइल नंबर 2 के साथ क्या होने वाला है. सो देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस, सो नाइट ऑफ कप्स. आई होप आप लोगों को कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे. सो साइंस में पहले बता दूँ, लियो एरीज सैच, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो. सो रीडिंग की शुरुआत में बता दूँ, कोई चीज़ ना नई, कोई नई चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कोई नई बिगनिंग करने जा रहे हैं आप, किसी नई चीज़ के बारे में आपके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं. शायद डाउट्स भी हैं, आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो कि ऐसा करूँ कि नहीं करूँ. और आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो इस कारण भी डाउट में नज़र आ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार मैं मेरे पर्सन के बारे में से सोचना बंद करूँ कि नहीं करूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ कि नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ, मूव ऑन करना चाहिए, कहीं मेरा पर्सन आ ना जाए और मैं सोचना बंद कर दूँ, कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे ऊपर. बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया बिज़नेस सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि करूँ कि नहीं करूँ. और कुछ लोगों को अपने जॉब के ऊपर डाउट होते हुए नज़र आ रहे हैं. तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है आप जो भी करना चाहते हैं उसे शुरू करें, उसमें आप सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं. और आप में से काफ़ी लोगों के लिए ना
सिक्स ऑफ कप्स जो है वो रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है. आपके पर्सन जो अभी तक आप लोगों से दूर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आप किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं तो वो दोस्त भी आपके पास वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं. गिले शिकवे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं. यही आपकी लाइफ का मिरेकल होने के लिए नज़र आ रहा है. यही आपकी लाइफ का मिरेकल होने वाला है. और वहीं आप जो है ना तलवारें समेटते हुए नज़र आ रहे हैं. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा ना अब आप काम पोजिशन में आने वाले हैं. अभी तक आपने जितनी लड़ाइयाँ या चिड़चिड़ापन दिखाया है ना, आप उस एनर्जी से शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. और वही नहीं, आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई नोकझोंक हुई है तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रही है. वो ठीक भी आप ही के कारण होते हुए नज़र आ रही है. आप शायद उनको बहुत जल्दी माफ़ कर देंगे, आपके जो गिले शिकवे हैं वो छोड़ देंगे. उसके अलावा अगर आप लोगों के घर में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, शायद उस पर्सन को लेकर, या शायद आपके नए काम को लेकर, या शायद आपकी लाइफ को लेकर, या किसी भी रीज़न से आपके घर में जितने भी इश्यूज़ हो रहे थे वो सॉर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. बहुत ही क्लियर साइन है. क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आप होते हुए नज़र आ रहे हो. क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इनमें, बहुत ज़्यादा. ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लाइफ में ना इनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती. सो आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी नज़र आ रही है कि आप कोई भी चीज़ को ठान लेने वाले हो, आप कसम खाने वाले हो कि यार ये मुझे कैसे भी करना है, और उस चीज़ में आप सफल होते हुए नज़र आ रहे हो. अब तक कैसा था ना, आप अपने पर्सन के प्रति इतना ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आए ना कि आपने बाकी चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया. चाहे अपना काम हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे कोई नई चीज़ हो, चाहे अपने आप पर, आपने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया. लेकिन आने वाले टाइम में टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप स्टेबिलिटी के स्तर पर नज़र आते हो. आप स्टेबिलिटी, आप बैलेंस मैनेज करते हुए दिख रहे हो. आप इधर भी संभालोगे, उधर भी संभालोगे, आप हर तरफ बैलेंसिंग पोजिशन पर रहोगे. उसके अलावा आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है. आप जो भी सोचोगे ना, आपको पहले से ही पता होगा कि यार इस चीज़ में मैं अच्छा होने वाला हूँ या अच्छे होने वाली हूँ. अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपका जो इंट्यूशन कहेगा ना वही होने वाला है. अगर आपके दिमाग आपको कहता है कि वो पर्सन आने वाले हैं तो वो आने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन स्ट्रांग का कार्ड है. ये विक्ट्री की बात करता है आपकी लाइफ में ना. नाइट ऑफ कप्स भी विक्ट्री की बात करता है. प्यार का सागर ऑफर करता हुआ नज़र आ रहा है. तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ से गए वो भी आते हुए दिखाई दे रहे, और आपकी लाइफ में विक्ट्री होने वाली है. बहुत सारी बैलेंसिंग पोजिशन आने वाली है. एंजल्स आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप कोई ना कोई नया काम शुरू करते हुए दिख रहे हैं. और एक पाइल नंबर टू के लिए ना, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मिरेकल होने वाला है वो है कि उनके पर्सन तो आएंगे ही, प्लस उनकी जो लव लाइफ है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है. और जो उनकी न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जो नया काम या जिस भी नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसमें वो तरक्की करते हुए दिखेंगे. उन्हें शुरुआत, एक बोलते हैं ना, वो जो भी नई चीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें वो आगे बढ़ते हुए खुद को महसूस कर पाएंगे, खुद ही देख पाएंगे. उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा ना, उनको गारंटी रहेगी कि यार ये लाइफ में मेरे साथ अच्छा होने वाला है. और एज पर देयर इंट्यूशन, उनके इंट्यूशन के अनुसार लाइफ में उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आएगी. ये मिरेकल्स होने वाले हैं आप लोगों के साथ. बहुत सारे इश्यूज में अभी तक आप रहे, बहुत सारी उदासी रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, आप उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. आपकी पोजिशन बैलेंसिंग नजर आ रही है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं. सडनली ना अब आप मेडिटेशन शुरू कर देंगे, या तो शायद आप कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसीजर पे हैं, या तो आप ईश्वर पे मानना, भरोसा करना शुरू कर देंगे. अगर आप में से काफ़ी लोग शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करना शुरू कर देंगे, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखेंगे, और यूनिवर्स आपकी जो फुलफिलमेंट है वो पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं. नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, जो भी आपको छोड़कर गए हैं. चाहे वो कोई भी हो, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, कोई आपको हर्ट कर चले गए हैं, तो वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं. पर आप उस पर कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे. आप अपने आप को बहुत काम पोजीशन पे रखेंगे, और अपने आप को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांगली सामने वाले पर्सन को हैंडल करेंगे. और आपका ऐसा रहेगा ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट दो तो फिर मैं साथ में रहूँगी या रहूँगा. कमिटमेंट नहीं है तो आप जा सकते हैं. आपका ऐसा पोजीशन रहेगा, आप सब कुछ माफ़ कर देंगे सामने वाले के लिए, लेकिन आप कमिटमेंट मांगेंगे. आप इस बार ना आप ऐसे होने वाले हैं कि आप बोलोगे कि गारंटी है तो रुको, नहीं है तो यार प्लीज़ बार बार मुझे हर्ट करने मत आओ, ये ऑन ऑफ एनर्जी में मत रहो. तो आपकी एक अलग सी हट और जिद नज़र आ रही है. अब आपको क्या चाहिए ना, अब आप ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं कि जो चीज़ होगी वो मेरे अनुसार होगी, नहीं होगी तो मुझे उसको देखना ही नहीं है. आपकी ऐसी एनर्जी में हो जाएंगी, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सफलता देते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा. और आप में से काफ़ी लोग ना फिटनेस फ्रीक होने वाले हैं. बहुत सडनली ना आप लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे. काफ़ी लोग कुकिंग में
फोटोज लेते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लोग नए नए पकवान बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजों में एनरोल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी चीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। प्यार का सागर ऑफर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि सामने वाला पर्सन जो भी छोड़ कर गया था वो वापस लौटेगा, झगड़े सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन वाली जो एनर्जी है उससे आप लोग बाहर निकलेंगे और बहुत ही स्ट्रांगली आप खड़े रहेंगे, बहुत स्ट्रांगली। अच्छा, आई होप लियो साइन मैंने मेंशन किया हो, लियो आपकी या उनकी किसी की भी हो सकती है। सो कुछ और क्लैरिटी कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या मिरेकल्स होने वाले हैं पाइल नंबर 2 वालों के लाइफ में, क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा, मुझे बताएं। ओके, आप लोग एकदम कंप्लीशन के नियर हो। आप लोग शायद बहुत टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, बहुत टाइम से, कोई भी चीज़ हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, शायद आप अपने अर्निंग या फाइनेंस की चीज़ों पे काम कर रहे थे, शायद आप अपनी फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे थे, तो उसको नियर कंप्लीशन देखते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, आप एकदम कंक्लूजन के नज़दीक आ चुके हो, आप एकदम बोलते ना आपकी वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आप एकदम स्थिर और काम पोजिशन पर नज़र आएंगे। एकदम ऐसे हो जाएंगे ना आप कि आपको एकदम गारंटी हो जाएगी यार होना ही है, ये तो अच्छा होएगा ही, आप एकदम श्योर होते हुए नजर आ रहे हो। वहीं आप देखो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे कप्स ऑफर हो रहे हैं, बहुत सारे कप्स, इस कप्स में से आप एक में देखिए ज्वेलरी ऑफर हो रही है, एक में गोल्ड है, एक में आपके अपने पर्सन है, एक में फ्लावर्स है, बहुत सारे कप्स होंगे, चॉइसिस ही चॉइसिस होंगे। ये डिसीजन आपका होगा कि आप किस कप को सिलेक्ट करते हैं, वो आपके अपने ऊपर होगा, आपके पास लेकिन चॉइसिस जरूर आएंगे। और अगर आप लोग जॉब में हैं तो आप लोगों को शायद 2-3 अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी जॉब्स की, और बिजनेस होगी तो आप बिजनेस में भी बहुत सारी चॉइसेस नजर आएंगी। आपकी लाइफ में यही सब मिरेकल्स होने वाले हैं, लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। अभी तक आप शायद बहुत ऐसी पोजीशन पे रहे ना कि बहुत सैड, बहुत दुखी, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, रोना धोना रहा, पर अब आप इस लाइफ से ना उठते हुए नजर आ रहे हो, निकलते हुए नजर आ रहे हो। आपकी एनर्जी में ना आप क्वीन ऑफ वॉन्स हो जाओगे, चाहे लड़का हो तो वो भी एक स्ट्रांग पोजीशन पे नजर आएंगे। अब तक बहुत रोना धोना हुआ, आप उस रोने धोने वाले पोजीशन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या एडवाइस देता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ का क्या अपडेट होना चाहिए। फाइल नंबर 2 देखें, क्या आप लोगों की लाइफ में और बेहतर होने वाला है, और क्या एडवाइस देने हैं आपको यूनिवर्स। लुक एट अ बिगर पिक्चर। ओके, आप में से ना काफ़ी लोग ना बहुत छोटी सोच रख कर बैठे हैं। छोटी सोच मतलब गलत वे से नहीं बोल रही हूँ, छोटी सोच इन द सेंस, पर छोटी चीज़ें सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ हो जाए तो, या डाउट कर रहे हैं उन चीज़ों पे कि यार ये होगी नहीं होगी, करूँ कि नहीं करूँ, कहीं ये किया तकलीफ हुई तो, कहीं सामने वाले को हाँ बोल दिया धोखा खा लिया तो, कहीं शादी के लिए हाँ कर दी, कहीं प्रॉब्लम हो गई तो, सामने वाले पे भरोसा कर दिया दिक्कत आ गई तो, जो भी है ना उससे बोलते हैं उस चीज़ों पे भरोसा करना शुरू करें, ट्रस्ट बोलते हैं अपना बनाए, क्योंकि दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर, आने वाले कल के बिगर पिक्चर पे फोकस करें कि आने वाला टाइम क्या होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस ना करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है, अरे मेरी तकलीफ है, अरे मेरा ये, तो इस एनर्जी से ना बाहर निकले, क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, आने वाला टाइम बहुत ही हाई लेवल पे होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें देता हुआ दिखेगा, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करें। आप में से काफ़ी लोगों के साइन जो है वो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कार्ड कहता है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूनिवर्स आपको कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी जो एंजाइटी, आपने जो बहुत स्ट्रेस ले रखा है ना, ये जो रोना धोना कर रहे हैं, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रोने धोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, किसी को बददुआएं देने से भी कुछ नहीं होगा। लाइफ में ना जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपको उस चीज़ के लिए, अगर आपको कोई चीज़ हाथ में चाहिए तो उसके लिए थोड़ा हाथ पैर चलाओ। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो पहले उस एनर्जी से मूव ऑन तो करो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ो। वो पर्सन तो आएगा जब आएगा, लेकिन आप अपनी आप को ना उस जो एनर्जी में रख के बैठे ना, रोने धोने और डिप्रेशन में, नहीं खाऊंगी मैं, वैसे नहीं रहूंगी मैं, ये नहीं करूंगी वो नहीं, उस एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि उससे ना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप जितना हो सके अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना बंद करें और बड़ी पिक्चर पर, बड़ी चीज़ों पर ध्यान दें। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन कोई मैसेज दे रहे हैं या आपको यूनिवर्स कोई एडवाइस दे रही है। तो पहला मैसेज है न्यू बिगनिंग। मैंने कहा था ना कोई नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, कोई तो न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही थी तो हो सकता है वो शादी के लिए अप्रूवल आ जाए, कोई लड़का पसंद कर ले, या हो सकता है आपके पर्सन जो है वो आपको आके शादी का प्रस्ताव रख दें।
ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अचानक से ना आपको सडनली ऐसा लगने लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके कारण ना आप जो है ना अपने लाइफ में मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी ना, आप मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इस एनर्जी में या दुखी वाली एनर्जी में बैठकर कुछ नहीं होने वाला, आप एक मूवमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं इसके कारण। म्यूज़िक, म्यूज़िक का कनेक्शन आपके या आपके पर्सन से हो सकता है, या तो वो सुन रहे हैं या तो आप सुन रहे हैं। म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है आप लोगों का, कोई चीज़ याद दिलाती है, या तो वो आपको स्ट्रेंथ देती है और आपको खुशी फील करवाती है। पर मेरा ये कहना है जितना हो सके पॉजिटिव म्यूज़िक सुने, रोने धोने वाले म्यूज़िक कम सुने, उससे कैसे ना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। इन्फ्लुएंस्ड, ओके, आपके पार्टनर शायद अब तक किसी पर्सन से ना इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आए हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, वो इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उनकी माँ ने उनसे कुछ कहा, या तो थर्ड पार्टी उनकी वाइफ ने कुछ कहा, या उनकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, वो उनको सुनते हुए नज़र आए हैं ना, पर उस एनर्जी से वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत क्लियर साइंस हैं, वो जो है ना उनकी सुनना बंद कर देंगे और वो आपकी तरफ आते हुए और आपकी सुनते हुए नज़र आएंगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, सो शायद आपके माइंड में ना ऐसा डाउट हो चुका है कि शायद वो ना आपका पर्सन आपको भूल चुका है, अब उनके मन में कोई प्यार नहीं रहा, अब वो आपको याद नहीं करते, अब उन्हें आपकी पड़ी नहीं, तो वो ये मैसेज देते हुए नज़र आ रहे कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। डाउट करना बंद करें यार, खुद पे भी डाउट करते हैं, सामने वाले पे भी डाउट करते हैं। जब अपनी एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे ना, जब ये सोचेंगे कि आपका पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, और वो ज़रूर आएगा, आएगा पक्का आएगा, देखना फिर। प्रे, ओके, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अभी मैंने जैसे कि कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने वाले हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करने वाले हैं, बहुत सारा मेडिटेशन करने वाले हैं। सो अगर आप जो मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो प्रे करें और ग्रैटिट्यूड भी फील करें, हर चीज़ पे शुक्र मनाएं, ये कहें ईश्वर को कि धन्यवाद, उन्होंने इतनी प्यारी लाइफ दी, इतना खाने को अच्छा खाना दिया, अच्छी ज़िंदगी दी, उन सब के लिए भी प्रे करें। और साथ ही साथ अपने पर्सन और हर एक इंसान के लिए एक अच्छी चीज़ें ही प्रे करें, कोई नेगेटिव चीज़ें ना प्रे करें। डोंट बिलीव देम, अगर आपको कोई कह रहा है ना कि यार तुम ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, अरे इस पर सफर होना ही नहीं है यार, वो तुम्हारा पर्सन तो आने वाला ही नहीं है, नहीं 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 पॉसिबल ही नहीं, तो उन पर विश्वास ना करें, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर इंट्यूशन का कार्ड भी आया है। अपने आप पर भरोसा करें, जो आपका मन, जो आपका दिल, जो आपका दिमाग आपसे कहता है ना, उस बात पर भरोसा करें, उन पे नहीं जो आपको बार बार बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, पॉसिबल तो नहीं है, ये बिजनेस भी नहीं हो सकता यार, इसमें तो कोई सफलता नहीं है, ऐसा नहीं है, आप होंगे सफल उसमें। सेलिब्रेशन, ओके, काफ़ी लोगों का मैंने बताया था ना, शायद शादी होने वाली है, शादी का प्रपोजल आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है, हो सकता है बेबी सेरेमनी हो, सेलिब्रेशन वाला टाइम आने वाला है। अब लास्ट है, ये देखते हैं। कॉल, ओके, आप में से काफ़ी लोग ना अपने पर्सन का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आप चाहते हैं वो आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, और आप या तो किसी और से कम्युनिकेशन वेट कर रहे थे, या तो आप अपने जॉब के लिए वेट कर रहे हैं कि आपके जॉब से आपने जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ से आपको कॉल आ जाए, या आपके बिज़नेस से आपके इन्वेस्टर्स आपको कॉन्टैक्ट करें तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कॉल ज़रूर आएगा आपको, सामने वाले पर्सन से एक कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगी, और आपके जो पर्सन हैं अगर आपसे दूर थे तो वो आते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर बस फेथ बनाए रखें, ईश्वर पर बिलीव रखें। आप में से काफ़ी लोग ना मुझसे सवाल कर रहे हैं कमेंट्स में कि दी ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप ऐसा बोल रहे हो, मेरा पर्सन आएगा क्या, आपको क्या लगता है, क्या ये बातें सच है क्या। जब आप उस चीज़ों पर डाउट करना शुरू कर देते हैं ना, आप ऑलरेडी उस एनर्जी पर नेगेटिव चले जाते हैं। जब आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में से जितने लोग भी जानते हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि अगर आप नेगेटिव बात चीज़ों के बारे में सोचेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर डाउट करेंगे ना कि यार ऐसा होगा क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, जब ये क्या वाला शब्द आ जाता है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, तो आप समझ जाइए फिर वो आपका काम होने से रहा। जब आप उस क्या वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ना, जब आप ये सोच लेंगे कि नहीं यार ये तो होगा ही होगा, आई नो यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करता है, ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जब उस एनर्जी में आ जाएंगे ना, तब देखना आपके साथ सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, जो आप चाहते हैं ना वो होता हुआ दिखेगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। पाइल नंबर 2,
कैसी लगी रीडिंग। वीडियो पे एक अच्छा वाला लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आई तो। और आप में से काफ़ी लोग सिर्फ रीडिंग सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो ताकि और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सके। और हाँ, मुझे कमेंट्स करते रहे, मुझे कमेंट्स बहुत पसंद है। आप लोगों को कमेंट्स में सब पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ कि सभी खुश रहें, अच्छी लाइफ रहे, और जिनके भी पर्सन उनसे दूर हुए हैं वो वापस आ जाए, जिनकी भी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं वो ठीक हो जाए, लाइफ बेहतर हो जाए पहले से, और जितना भी रोना धोना है वो कम हो जाए, दुख के पल चले जाए। और आप में से जितने भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो पे दिए गए नंबर पर, या मेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।